हे गाइस वेलकम बैक टू जुगाड़। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे बनाए एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टेबल सोल्डिंग स्टेशन। बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट होने वाला है और मौसम इतना रोमांटिक होने वाला था कि हो रहा है, बेसिकली इतना बढ़िया रोमांटिक मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा आज बाहर ही शूट करते हैं यार, थोड़ा सा नॉइज़ हो जाएगी, एडजस्ट कर ले रहा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो मैं दे दूँ, बेसिकली है कि ये पोर्टेबल स्टेशन या कैसे बनाए, क्या काम आएगा। देखने में तो कुछ इस टाइप से ये बहुत ही क्यूट सा पोर्टेबल सोल्डिंग स्टेशन दिखता है। ये है क्या, बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि भैया सीन क्या होता है, हर तरफ हमारे पास पावर सॉकेट नहीं मिल पाता है। अब भैया गाड़ी के अंदर कुछ खराब हो गया है, सोल्डिंग कहीं की खुल गई या आपके डीवीडी प्लेयर की खुल गई गाड़ी के अंदर की, तो भैया तुम उसको सोल्ड कैसे करोगे? हर जगह पावरबैंक या इतना लंबा एक्सटेंशन कॉर्ड तो लेके घूमोगे नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार एक ऐसा सोल्डिंग आयरन बनाए जो हमारे बैटरी से चले, बेसिकली 12 वोल्ट बैटरी से चले या 5 वोल्ट से चले, जैसे भी चले, और चार्ज रिचार्जेबल हो, कहीं पर भी हम रख ले, काम कर ले। तो हमने ऐसे ही कुछ काम बनाया, बेसिकली क्या, स्विच ऑन किया, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप कहीं पर भी यूज़ कर लो, स्विच बंद कर दो, काम खत्म। ऐसे ही सोल्डिंग स्टेशन बनने वाला है, बहुत ही आसानी से बनेगा। और सबसे बेहतरीन बात इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ की है कि सोल्डिंग के साथ साथ आप अपना मोबाइल या कुछ भी चीज़ चार्ज भी कर सकते हो, क्योंकि सोल्डिंग स्टेशन प्लस ये पावर बैंक आपको इंटरनेट पे ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। और इसके कंपोनेंट्स ऐसे कि हो सकता है आपको ना मिले, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो में जुगाड़ बनाया। बेसिकली हमें पावर बैंक मॉड्यूल चाहिए, बहुत मुश्किल से मिलता है, ये ऐसी चीज़ है। तो मैंने क्या किया है, पावर बैंक मॉड्यूल के बिना भी बताया। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आ जाओ मेरी टेबल पे और बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक MDF या WPC बोर्ड चाहिए, बेसिकली कहीं से भी आपको 6 mm के MDF या WPC बोर्ड है। इससे हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। अब आप देख लेना किस साइज का आपको जरूरत, जैसी बैटरी आप अंदर लगाओगे जितनी बड़ी, जैसे मैंने इतनी बड़ी बैटरी है तो उसके हिसाब से बॉक्स बनेगा। अब ये बैटरी मैंने बनाई कैसे, मैंने 6 बैटरियों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। कैसे किया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जैसे नेगेटिव टर्मिनल लिया, इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 बैटरी को जोड़ दिया, ऐसे ही नेगेटिव को किया, पॉजिटिव को किया, ऐसे बैटरी निकल गई, उसको टेप कर दिया और जो वायर्स है उसको निकाल दिया। तो एक सिंपल सी बैटरी है, हमारा बैटरी पैक बन जाएगा, ये हमें बनाना है। इसके बाद हमें चाहिए एक क्या कहते हैं वोल्टेज बूस्टर। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि डाउन वोल्टेज को अप वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 8 वोल्ट्स को ये कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट्स को 12 वोल्ट्स में, या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे, ये जो रेगुलेटर है उससे स्विच करेंगे, तो वोल्टेज बेसिकली ये बढ़ाता है, इसका यही काम होता है। हमने कम वोल्ट डालना है और 12 वोल्ट हमें इससे मिल जाएगा, हमें मतलब सेट करना होगा। फिर हमें चाहिए एक पावर बैंक का नॉर्मल सादा सा मॉड्यूल, तकरीबन 60 रुपये के आसपास तक का मिल जाता है, हमारे लखनऊ में नाके में मिलता है। और ये जो पावर बैंक वाला मॉड्यूल है तकरीबन 150 तक का मिल जाता है। तो 2 मॉड्यूल हमें ये बेसिकली चाहिए। फिलहाल हम इसका बाद में भी जुगाड़ बताएंगे, अगर आपको ये आपको पावर बैंक वाला मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। फिर एक फीमेल जैक चाहिए हमें, और हमें चाहिए 12 वोल्ट की सोल्डिंग मशीन, तकरीबन 100 रुपये के आसपास की मिल जाती है। तो फिलहाल हमें इसको फेविक्विक से चिपका के एक बॉक्स बनाएंगे। उससे पहले एक पावर बैंक का जो मॉड्यूल है उसको लगाने का मैं जुगाड़ बताता हूँ। तो पावर बैंक के मॉड्यूल में भैया कुछ होल्स बनाने को, USB का, उसके बाद इनपुट का, फिर 4 LEDs का, तो ऐसे मैंने होल्स इसमें बेसिकली बना के काट दिया। अब पावर बैंक मॉड्यूल देखो ऐसे फिट हो जाएगा। इसके बाद एक जो बटन होते हैं ना, बटन का भी बहुत बढ़िया जुगाड़ मैंने बताया, अभी बताता हूँ। फिलहाल तो हमने फेविक्विक लगाया और बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको स्टिक कर लेंगे। अब देखो बटन का इतना प्यारा जुगाड़ है ना, मजा आ जाएगा मतलब। तो बटन मैंने एक बनाया, दिखाता हूँ देखो, कुछ ऐसा मैंने बटन बनाया। अब ये बटन मैंने बनाया कैसे ये बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल, एक नॉर्मल पुरानी रिफिल लिए, रिफिल को पीछे की तरफ से हीट किया और नीचे टेबल पे प्रेस कर दिया, तो जो फ्लैट वाला पोर्शन देख लो बटन का, वो बन गया। और फिर रिफिल को जो भी जिस भी साइज का हमें बटन चाहिए इसको कट कर दिया, तो प्रेसेबल एक बहुत आसानी से बटन हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हॉट ग्लू मैंने थोड़ा सा दिया, मदरबोर्ड पे लगाया, मतलब वही पावर बैंक वाले मॉड्यूल पे लगाया, और 2 छोटे से स्क्रूज लिए, उन स्क्रूज को लेके भैया मदरबोर्ड को कस दिया ताकि कुछ हिले डुले ना। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैं पावर स्विच एक लगाया हूँ, बेसिकली बहुत सिंपल सा स्विच लगाया हूँ। स्विच कौन सा लगाया भैया, मैंने स्कूटी मॉडिफाई की थी तो उससे जो स्विच निकला था वही लगा दिया। आप एडिशनल कोई भी स्विच खरीद लेना, चल जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब भैया मैंने स्विच को ऐसे करके लगा दिया, टाइट कर दिया, छेद मैंने बना लिया था, वो मैंने दिखाया नहीं, हालांकि प्लास से मैंने बढ़िया इसको टाइट कर दिया। अब बैटरी पैक मैंने चिपका लिया और स्विच को इंस्टॉल कर लिया। अब देखो कनेक्शन की बात मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कनेक्शन का बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव मदरबोर्ड की B- और B+ में जुड़ जाएगा, मदरबोर्ड में लिखा होगा आपके, और वहां से सेम एक कनेक्शन जाना तार में जोड़ना और बूस्टर में जोड़ के कर देना, और बूस्टर को सेट कर देना 12 वोल्ट पे, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 12 वोल्ट पे हमारी सोल्डिंग अरेंज जुड़ेगी। अब जो आउटपुट वाला तार है उसको जोड़ देना एक फीमेल जैक में, जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था, उस फीमेल जैक को जोड़ देना। जोड़ दोगे, टेस्टिंग करोगे, आपका चलना चालू हो जाएगा और बंद कर देना। अब मेरी बात सीधा सुनो, जिनके पास पावर बैंक मॉड्यूल ना मिले तो वो क्या करें, बहुत आसान सा जुगाड़ है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस
जो फीमेल जैक था वो एक और फीमेल जैक खरीद लेना और उसके बगल में छेद करके एक और फीमेल जैक लगा लेना। और करना क्या, बहुत सीधा सा मामला है, जो फीमेल जैक से जो तार निकलेंगे ना उसको डायरेक्ट बैटरी से जोड़ लेना। फिलहाल चार्जर में चार्जिंग के लिए यूज करूंगा 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर, ठीक, ये चार्जर मैं यूज कर रहा हूँ। और चार्जर जैसे ही लगाओगे चार्ज होना चालू हो जाएगा। देख लो मैं दिखा रहा हूँ कि तो वो 12 वोल्ट है क्योंकि फोकस नहीं हुआ था कैमरे का ना, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया और सोल्डिंग आयरन को टेस्ट करोगे तो भैया बकायदा हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा क्लोजअप में भी दिखाता हूँ, ऐसे मत करना हाथ मेरा देखो जल गया था, तो कोई फायदा नहीं ऐसे टेस्ट करने का। तो देखो बढ़िया फोकस करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो सोल्डिंग जो वायर है बढ़िया से मक्खन के तरह मेल्ट हो रही है, तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो अभी हमारा चल गया। अब देखो मैंने कैसे चार्जिंग हम करेंगे, बेसिकली जो सेकंड मैंने जैक लगाया था उसको कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट हमने बैटरी से, और बैटरी को इस बार हमने पैरेलल ही कनेक्ट कर दिया ताकि आउटपुट वो 8 वोल्ट से 4 वोल्ट ना दे मतलब, ठीक। अब हम जैसे ही जैक को लगाएंगे तो बैटरी हमारी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, बट एक डिसएडवांटेज है इसका, इसमें लिथियम आयन बैटरीज है तो देखो ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए चार्ज करना इस बैटरी को, ज्यादा चार्ज करोगे पता चला विस्फोट हो जाए। तो अब सबसे फेवरेट काम भैया डिजाइनिंग वाली, तो मैंने डायरेक्ट उसको सारे बॉक्स को तैयार कर दिया और उसके बाद सैंडिंग मैंने की, उसकी जरा आवाज सुनना बहुत मजेदार आवाज आएगी। अच्छा उससे पहले मैंने पेलमेट पत्ती का भी बहुत बेहतरीन जुगाड़ किया, पेलमेट पत्ती बेसिकली आपको फोटो फ्रेम्स के पीछे मिल जाएगी, तो कोई भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगा, ऐसे करके डिजाइन कर सकते हो आप, ठीक। अब अगर साउंड मजेदार लगा हो तो लाइक मार देना। फिर मैंने क्या किया, ढेर सारे स्टिकर्स लिए, ये स्टिकर्स मैंने भैया पान वाली दुकान में गया, मैंने कहा यार सेंटा फ्रूट जो तुम बेचते हो ना उसका उसके साथ फ्री मिलता है 2 के साथ, मैंने कहा यार पूरा ही दे दो मुझे कुछ बनाना है, तो बंदा प्यारा था तो दे दिया मुझे, पकड़ा दिया। तो मैंने ढेर सारे स्टिकर हर जगह लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह मैंने स्टिकर ही स्टिकर लगा दिया, तो थोड़ा डिजाइनर बन गया। तो ऐसे ही हम बहुत आसानी से बना सकते हैं अपना पोर्टेबल सोल्डिंग स्टेशन। चलो तो चलो आज की भाई वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, और कोई भी टाइप का डाउट हो सवाल हो कैसे कनेक्शन किया क्या किया तो नीचे कमेंट करो, तुरंत आपको क्या कहते हैं रिप्लाई कर दूंगा मैं और आपको जुगाड़ बता दूंगा, ठीक। और भी कोई टाइप का जुगाड़ जो आपको चाहते हो कि भैया मैं आपको बताऊं तो जल्दी नीचे कमेंट करके बता देना, उस टॉपिक में भी वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। चलो मिलते अगले वाली जुगाड़ पे, तब तक बाय बाय टाटा।